400 साल पुराना है ये हट है। बाहर भी मैं देख रहा हूँ मट्टी का लेप हुआ हुआ है, पत्थर है। औंद्रा पोएगा गुलमीत, पाकिस्तान हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टेयर्स। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन टू माय चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। और बीइंग अ ट्रैवलर के ऊपर इस वक्त चल रही है गिलगित बल्तिस्तान की सीरीज़। और आप लोगों ने मेरी अभी पिछले एपिसोड्स के अंदर काफ़ी सफ़र मेरा देख लिया और डिफरेंट विलेजेस देख लिए हैं, डिफरेंट पॉइंट्स भी देख लिए हैं, मेरे एक्सपीरियंसेस जो मैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर कर रहा हूँ। और आज की इस एपिसोड के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ गिलगित बल्तिस्तान का एक और बहुत ही खूबसूरत गाँव जिसका नाम है गुलमीत, और वहाँ की क्या चीज़ें मशहूर हैं और क्या एक्टिविटीज़ हैं। इस वक्त जिस जगह पर ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ ये है अताबाद लेक के सामने, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त माउंटेन जिसकी ट्रैकिंग करके मैं टॉप के ऊपर गया था और मैंने अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको पिछली एपिसोड के अंदर शेयर कर दिया था। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा ताकि आपको अगली आने वाली एपिसोड्स में मिलती रहे। तो इस वक्त मैं नीचे उतर रहा हूं और नीचे उतरने के बाद हम चलेंगे अपनी बाइक की तरफ, सामान वगैरह अपना सेट करेंगे और मैं आपको लेकर चलूंगा गुलमीत की तरफ। तो आगे चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, एंड तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। ऑलराइट जी, बाइक पे सेटिंग कर ली, अताबाद की ट्रैकिंग से मैं नीचे आया और अब हम जा रहे हैं आज की एपिसोड में गुलमीत गांव में, गुलमीत वैली जो कि हुंजा की अंडर ही आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता एकदम बादल आना शुरू हुए हैं और हवा एकदम ठंडी हो गई है। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना तो 2017 में ये सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के टीले थे, कुछ भी नहीं था, एक चाय का ढाबा भी नहीं था यार। अताबाद लेक से बस 15 मिनट का ही मजीद ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गया हुंजा वैली के एक और फेमस गांव गुलमीत में। गुलमीत में पहुंचते ही मार्को पोलो होटल के ओनर राजा हुसैन साहब ने हुंजा वैली की फेमस लोकल डिश मोलीदा टेस्ट करवाई जो एप्रिकॉट ऑयल में बनाई जाती है। ये जो ऊपर मुझे नजर आ रहा है दिस इज एप्रिकॉट ऑयल। जी सर, एप्रिकॉट। ऑलराइट। और चीज है इसके अंदर, चीज भी है। ओह माय गॉड, ये नरम भी है ना, बूढ़े जवान सब खा सकते। ये मैं स्पेशल एप्रिकॉट ऑयल अब ऊपर डालने लगा और ये बॉडी के लिए भी अच्छा है, उस तरह जमता ही नहीं है अंदर, आपका स्टमक खराब नहीं होता है ना। सही। लें जी, दिस इज माय फर्स्ट बाइट और मुझे इसके अंदर वाइटी वाइटी शाय है सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो लग रहा है सब कुछ चीज़ी चीज़ी और जो है वो हलवे की तरह जो है ना वो गुदा बना हुआ है। मैं अलहदा से जो एप्रिकॉट का ऑयल है ना वो टेस्ट करता हूँ। बिल्कुल उसका जो बादाम का टेस्ट है ना वो हल्का हल्का टेस्ट आ रहा है उसका। इसमें थोड़ा हमारे लोग खट्टा पसंद करते हैं, इसमें थोड़ा खट्टा। हाँ, ये चीज़ की वजह से भी आ रहा है। चीज बहुत बहुत मज़ेदार टेस्ट है यार, अमेजिंग भाई। जो भी हुंजा आए गुलमीत, आपने मार्को पोलो होटल के अंदर ये जो सारा होममेड चीज़ें हैं और स्पेशली जो मोलीदा मैं खा रहा हूँ, अमेजिंग अमेजिंग। ये मोलीदा अपर हुंजा गुजाल की बेहतरीन मशहूर डिश है। ये प्रॉपर बादामों का इसमें टेस्ट आ रहा है, प्रॉपर जो उसकी खुबानी की गिटक तोड़ के उसके अंदर जो बादाम निकलता है उसको कूट के जो चीज़ निकली हुई है ये वो फ्लेवर आ रहा है। यानी ये नहीं है कि आपको कोई फीलिंग अंदर आ रही है कि पता नहीं आप कोई हैवी चीज़ खा रहे हैं, इसको खाली ऑयल को भी चखने का एक अलग ही मज़ा आ रहा है। और उसके बाद मैंने पिया ड्राई एप्रिकॉट का शरबत जिसको छमुस कहा जाता है। और उसके बाद मैं आ गया गुलमीत की फेमस हैंडीक्राफ्ट देखने जहां हाई क्वालिटी हाथ से बने हुए कालीन बनाए जाते हैं। ये देखें जी, ये है ओल्ड हाउस गुलमीत का और इसी के साथ ही यहां पे ये देखें इन्होंने ओल्ड हाउस लिखा हुआ है और यहां पे हमने अपनी बाइक लगाई है और हम जा रहे हैं अब अंदर कोरका वीविंग डाइवर्सिटी गुलमीत कारपेट सेंटर के अंदर।
रही देखें, यूनिक सा पुराने ज़माने का पत्थर और बाहर मिट्टी का लेप नज़र आ रहा है आपको। और अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सबसे पहले जो भी इनकी कारपेट इंडस्ट्री है उसकी इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो हम अंदर चलते हैं। जो लोग इनको हाथ से बना हुआ, ये देखें, ये सारा हाथ से बना हुआ है। तो इसका हम डिटेल अंदर जाके देखते हैं। ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें जी, ये है बिल्कुल जो अपने हाथ से यहाँ पे कारपेट का पूरा जो हाथ से इसको बना रही हैं। एक ये है आर्टिस्ट और ये एक ये है आर्टिसन। तो मैं आपको सबसे पहले क्लोजअप दिखाता हूँ इनको, कैसे ये एक एक धागा, एक एक डिज़ाइन। ये गिरा लगाती हैं आप एक एक, ये एक तार आगे की एक पीछे की, एक पीछे। इनके दरमियान से इसको गुजार के ना थोड़ा सा स्लो करके बताएं। ये इस तरह, ठीक है, आगे की ये पीछे की तार, इन दोनों के दरमियान से इसको गुजारते हैं, ठीक है, फिर वो नोट डलता है, उसके बाद नीचे लाते फिर कट करते हैं, फिर काटते हैं उसको। तो आप एक एक लाइन जो है वो आपको कैसे पता चलता है? आप उसकी गर्दन बनानी है, उसका कान बनाना है। अभी यहाँ तक हमने गिना, ओके, ये उसके ये पैर हो गए हैं, सही, फिर यहाँ पे यहाँ तक मैं पहुंची हूँ, ओके। तो ये आपको लाइंस पता चलती जाती हैं कि एक एक आपने जितनी इसकी लाइंस हैं उतनी ही आपकी कम करना है। ये फिर जितने जो डिजाइन हमने बनाना हो उसके मुताबिक हम उसकी तार डालते हैं, तार डालते हैं। अच्छा, तो ये बताएं कि जिस तरह अभी मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इतनी इंडस्ट्री है, मतलब लाहौर वगैरह में इतनी वो कंपनीज की एम्ब्रॉयडरी मशीन्स हैं, वो आराम से ठक 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 करके धागा अंदर डालते हैं और मशीन बना के उसको फारग करती है, उसमें और इसमें क्या फ़र्क है आपका? और जो आज भी आप जैसा 15 दिन लगते हैं, वो शायद एक दिन के अंदर 15 कारपेट निकाल लेती हो मशीन, आपका 15 दिन में एक बनता है, दोनों में क्या फ़र्क है ऐसा ये बताएं। दोनों में फ़र्क ये है कि आज के काम में थोड़ा सा ये मशीन मेड है। अच्छा, ये मशीन मेड है, ओके, हाँ, ये देखें, ये मशीन मेड है, ये हाथ का काम, ये हाथ का, ओके, सॉफ्ट है। और इसमें भी एनिमल वूल ही है या ये सिंथेटिक मटेरियल है? ये सिंथेटिक है। तो आपकी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एनिमल वूल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और ये इसमें ये है कि जितनी जितनी दफ़ा भी हम धोएंगे ये इसी तरह सॉफ्ट ही रहेगा। जी जी, ये सॉफ्ट। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये जिस जगह के ऊपर मैं इस वक्त बैठा हुआ हूँ, ये भी बहुत ही कोई पुराने ज़माने स्टाइल की है। देखें, ब्लैक, 400 साल पुराना है ये हट है। और बाहर भी मैं देख रहा हूँ मिट्टी का लेप हुआ हुआ है, पत्थर है। और इसकी क्या हिस्ट्री है, ये किसके का घर था या 400 साल से ही यहाँ पे वीविंग हो रही है? ये किसी का घर था, अभी हमने रेंट पे लिया है। अच्छा जी, ये बताएं कि जब आप ये कर रहे होते हैं तो इसमें जब बाज़ का कोई गलती हो जाती है और धागा कोई गलत लग जाता है, स्पेशली जब एनिमल या कोई इस तरह की चीज़ होती है तो आगे पीछे कोई धागा हो जाता है, फिर आप उसको कैसे मैनेज करती हैं? फिर ये तार हम निकालते हैं, ये जो हमने प्रेस किया है ना, इसको ऊपर से फिर हम उतारते हैं, ओके, फिर वो धागा निकालते हैं, फिर तीन चार लाइन जितनी भी हो निकालते हैं, उसके बाद दोबारा लगाते हैं। और एक लाइन का अगर मैं एवरेज टाइम लूं, वैसे एक लाइन कंप्लीट करने में कितना टाइम आपको लगता है कंटिन्यूस? एक लाइन ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बस एक मिनट एक लाइन में लग जाता है, सही। और अगर कोई आपको तीसरी चौथी लाइन में जाके पता चले कि यार तीन चार लाइनें के पीछे डिजाइन खराब हो गया, वो निकालना, पूरी चार लाइनें निकलेंगी, दरमियान से एक निकल ही नहीं सकता, पूरे नहीं निकालेंगे, जहाँ पे गलत हुआ है ना वो वाला, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई मसला आ गया तो मैं ये निकालूंगी, यहाँ से इस एरिया से निकालेंगे, इस एरिया में निकालूंगी, जितना गलत हुआ है ना वो एरिया निकालूंगी, फिर दोबारा वो लगा। तो ये जो दरमियान में ब्रेक आता है या जोर आता है उससे स्ट्रेंथ में तो नहीं फर्क आता? उसको मैं तोड़ूंगी नहीं, इसको अच्छा ऊपर करते हुए ना, ओके ओके ओके, मैं समझ गई, क्योंकि ऊपर आपके पास स्पेस है जी जी, तो आप इसको ढीला कर करके ये करेंगी। जबरदस्त यार, ये चीज बड़ी इंफॉर्मेटिव है। अच्छा शमीम, अभी आप ये बताइए, हम अभी बात कर रहे थे लैंग्वेजेस के बारे में, तो ये बताएं आप कि ये जो गुलमित के अंदर कौन सी जुबान बोली जाती है? गुलमित में हम यहाँ पे वखी बोलते हैं, वखी जो वखन कॉरिडोर की वजह से, और ये इसमें पर्शियन और ताजिक लैंग्वेज है, क्योंकि ये ताजिकिस्तान में बोलते हैं,
अफगानिस्तान में बोलते हैं, पाकिस्तान में, यहाँ नॉर्थ में हम, और चाइना में बोलते हैं। चाइना में भी? तो अगर मैं चाइना में काशगर और उधर जाता हूँ तो मुझे वखी, तो मैं थोड़ी सी वखी सीख लूँ फिर, अगर मैंने चाइना जाना है तो आधा पोर्शन जो उनका सिंकियांग और वो जो एरिया है वो वहाँ पे वखी है, और ये यानी जो उसका काशगर वाला पोर्शन है सारा मुस्लिम एरिया, ये वखी बोलते हैं। और आप ये बताएं कि अब जिस तरह बिल्कुल अभी थोड़ा सा पीछे में था हुंजा में, तो वहां पे ब्रुशिस्की बोली जाती है, इसके अलावा कौन सी और जुबानें हैं यहाँ पे? हुंजा में चार जुबानें हैं। लोअर हुंजा में शिना बोलते हैं, सेंटर हुंजा में ब्रुशिस्की बोलते हैं, और मोमिनाबाद जहाँ पे हुंजा में वहाँ पे डुमाकी बोलते हैं, अपर हुंजा में वखी बोलते हैं। वखी। अच्छा, ये लिखने में कैसी हैं जुबानें? उर्दू और अरबी पर्शियन वर्ड्स हैं या इंग्लिश? हमारे जो जुबान है वो हाँ सारी इंग्लिश में ही है, यानी इंग्लिश लेटर्स है वखी के भी और उसके भी, उनका फिर ब्रुशिस्की के भी, ब्रुशिस्की और उनका अच्छा वखी का इंग्लिश है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको गुलमीत मैंने दिखाया, और गुलमीत में चला था अहताबाद से, आज गुलमीत पहुंचा, मार्को पोलो भी बड़ा पुराना बड़ा तारीखी होटल, बड़ा ही खूबसूरत, वहां से फिर मैं आया जो कारपेंट वीविंग सेंटर है इनका कोरगा, और बड़ी मज़ेदार बातें की हैं मैंने और बड़ा कुछ सीखने को मिला। और एक ट्रैवलर का, बीइंग अ ट्रैवलर का मकसद भी यही होता है कि खाली घूमना फिरना और साइट सीइंग नहीं करनी, हमने अंदर जाके कल्चर के बारे में देखना ज़रूरत है। इसके बाद हमने नेक्स्ट गुलमीत के अंदर है इनका ओल्ड हाउस, 700 साल पुराना, वो आपको नेक्स्ट दिखाना है। और एक बड़ी अच्छी इन्होंने एफर्टेड की पूरी कम्यूनिटी ने जगह बनाई जिसका नाम है ओंद्रा पोएगा, वो क्या है उसको मैं थोड़े से मिनट के बाद आपको फिर आगे दिखाता हूँ। जी, खूबसूरत गुलमीत गांव की एक खूबसूरत पार्किंग इन्होंने बनाई है प्रॉपर, और यहाँ पे लिखा भी वो है ओंद्रा पोएगा है जी। ओंद्रा बेसिकली पहाड़ के टॉप पे एक जगह है, गांव है जहाँ पे लोग रहते हैं, उसका नाम है ओंद्रा, और पोएगा कहते हैं सीढ़ियों को। तो पहले मुझे ढूँढने दें वो कहाँ पर हैं सीढ़ियाँ, क्योंकि ये रास्ता बना तो हुआ है लेकिन ये किसी के घर आ गया यहाँ पर। अच्छा, ये मुझे लग रहा है कि कुछ एंट्री गेट नुमा कुछ बनाया तो हुआ है इन्होंने। ये भी दरवाज़ा है। और ओंद्रा पोएगा गुलमीत, पाकिस्तान्स हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टेयर्स। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी ओंद्रा पोएगा गुलमीत की ट्रैकिंग। तो आज मैं आपको इसकी हाइकिंग दिखाऊंगा, ट्रेल को हम कवर करेंगे, और साथ साथ आपको इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। सो बेसिकली काफ़ी ज़माने पहले, काफ़ी सैकड़ों साल पहले, जैसे आपको हुंजा के अंदर बहुत ज़्यादा फोर्ट्स वगैरह नज़र आते हैं, तो ये फोर्ट्स यहाँ पे भी बने होते थे। अल्तीत फोर्ट, बल्तीत फोर्ट का आपको पता है। यहाँ पे एक बहुत पुराना फोर्ट था ओंद्रा फोर्ट, जिसकी काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी हुई है, जिसकी अभी प्रोटेक्शन भी रिक्वायर्ड है और इसको इन्होंने रीबिल्ड करना है। तो आप ये देख रहे हैं ये स्टेयर्स सारी की सारी, ये लोकल लोगों ने 2020 में और 2021 की जब सर्दियां थी तो कोविड की वजह से टूरिज़्म बिल्कुल बंद हो चुका था, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, ना यहाँ पे लोग आ रहे थे, तो उसकी वजह से यहाँ के लोकल लोगों ने डिप्रेशन का शिकार हो गए, क्या करें। तब इनकी लोकल कम्युनिटी ने ये डिसाइड किया कि यार हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि अपने इलाके को मज़ीद प्रमोट करने के लिए, क्योंकि माउंटेंस के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो हाइकिंग, ट्रेल्स, किसी व्यू पॉइंट के ऊपर पहुंचना उसको पसंद करते हैं। सो व्हाई नॉट बिल्ड अ ब्यूटीफुल पाथ टू द ओल्ड ओंद्रा फोर्ट जो इनका हुआ करता था, जहाँ से बड़े ज़बरदस्त व्यू आते थे, तो क्यों ना वहाँ पे हम कोई ट्रैक बनाते हैं। तो ये अब आप जितने भी आपको पत्थर नज़र आ रहे हैं और ये ट्रेल नुमा आप देखते हैं, स्टेयर्स इन्होंने बनाई हैं सब लोगों ने मिलके। तो यहाँ की विलेज काउंसिल, जो पूरी कम्युनिटी है, उन सब ने इसमें, बच्चों ने, मर्दों ने, औरतों ने, सब ने मिल के इसमें पार्टिसिपेट किया, और टोटल इन्होंने ये यहाँ से नीचे से लेके टॉप ऊपर तक 1655 यानी 1655 स्टेयर्स बनाई, विच आर द लॉन्गेस्ट स्टेयर्स ऑफ पाकिस्तान और लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट स्टेयर्स ऑफ पाकिस्तान। और आलमोस्ट ये स्टेयर्स आपको 9000 फुट की बुलंदी के ऊपर लेके जाती हैं, जहाँ से हमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आएंगे, वो आपको ऊपर जाके बताऊँगा कि क्या क्या जगह यहाँ से देख सकते हैं। Thank you.
टोटल ये जो पूरी स्टेयर्स का ट्रैक बना हुआ है ऑलमोस्ट 1.3 किलोमीटर्स का है हाइट पे, और ये जो सब लोगों ने कम्युनिटी ने मिलके बनाया, ये इनको 60 डेज लगे पूरी स्टेयर्स बनाने में। 1655 सीढ़ियाँ इन्होंने ये जो पत्थर रखे, और इसमें मैं गया था अभी गुलमीत की जो कोरगा कारपेट वीविंग की जो उनकी एक शॉप है, जो आउटलेट है, वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया कि जो लेडीज़ थी वो भी बढ़ चढ़ के इसमें काम करती थी, और जो बच्चे और जो मर्द हजरात थे वो पत्थर वगैरह रखते थे, और लेडीज़ उनके लिए साथ साथ खाना चाय शाय और उसका सामान। बड़ी ही वो कहते हैं कि हमारे लिए एक हेल्दी एक्टिविटी बनी, कि जैसे एक मिशन बना है कि हमने अपने इलाके के लिए कुछ करना है, तो उसमें उन्होंने फिर इसके लिए जो है ना वो मिल के सबने ये मेहनत की। तो जी मैं अभी इनके पहले पॉइंट के ऊपर ही पहुंचा, जो इनका पहला व्यू पॉइंट है और रेस्ट पॉइंट भी आप इसको कह सकते हैं। और इसी पॉइंट के ऊपर आके मुझे इस चीज़ का एहसास होने लग गया, क्योंकि मैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करता हूं, और मैं जिस भी मुल्क में जाता हूं मैं वहां पे देखता हूं कि वो छोटी छोटी चीज़ों को अपने मुल्क में कैसे प्रमोट करते हैं। और गुलमीत के रहने वालों ने सब ने मिलकर जो डिसाइड किया और पूरी मेहनत करके ये पूरा ट्रैक बनाया, इसके पीछे मुझे जो सोच थी वो बिल्कुल वही सोच है कि आपने किसी भी इलाके को जब प्रमोट करना होता है तो आपने उसमें आने वालों के लिए छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ रखनी होती हैं, ताकि लोगों का वहाँ पर आने के बाद कोई दिन स्पेंड हो, कोई हेल्दी एक्टिविटी हो। तो सो दिस इज़ द सेकेंड लास्ट पॉइंट, इधर लिखा हुआ है ओदवेर, शायद वो गांव का नाम है, ये कमारिस है वो कोई और गांव है, और ओंद्रा किला यानी ओंद्रा फोर्ट। फ्यू मोर स्टेप्स, लेट्स गेट टू द टॉप। सबसे पहले तो ये बोर्ड देखें आप, ये लिखा हुआ जी ओंद्रा किला, और ये जो पीछे आपको दीवारें नज़र आ रही हैं ये देखें जी, उस ज़माने का कोई बहुत ही पुराना किला बना हुआ है, पत्थरों की दीवारें और बड़ी उसकी ज़बरदस्त इसकी शेप्स जो हैं वो उन्होंने बनाई हुई हैं। सो दिस इज ओंद्रा फोर्ट। वाह, व्हाट अ पॉइंट यार, कमाल, क्या जगह। 1, 2 and 3 OMG, और हमारी जुबान में Unbeanable. Look at the view. ये आप देखें जो ओंद्रा किला है, इसकी काफी रिमेन्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, और ये प्रॉपर आपको दीवारें और इनके कमरे नजर आ रहे हैं स्क्वायर शेप के अंदर। अगर आप देखें डिफरेंट, वो तो टॉप की दीवारें थी, लेकिन ये नीचे जो उसकी सेटलमेंट है ये वहाँ तक आपको स्क्वायर शेप के अंदर काफ़ी कमरे बने हुए भी नज़र आ रहे हैं, और पत्थर ये नहीं कि एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, बाकायदा गाढ़े के साथ जुड़े हुए हैं, और अभी तक जो है वो आप देखें गिरे नहीं हैं। ट्रैक से नीचे आने के बाद कोरगा की शमीम आपी ने स्पेशल मेरे लिए चाय, एग और लोकल स्टाइल की रोटी बनाई, जो मैंने वहीं बैठकर खाई, और उसके बाद इसी के साथ वक्खी कल्चर का 700 साल पुराना घर विजिट किया। तो मुझे वाकई बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं अर्तुगरुल सीरीज के अंदर आ गया। जो जिन जिन लोगों ने भी अर्तुगरुल सीरीज देखी है ना, वो वाकई अगर इस जगह के ऊपर आएंगे, और जिस तरह इन लोगों ने मेरे लिए ये पूरा दस्तरखान बिछा दिया, आपको बिल्कुल ऐसी लग रहा है कि मैं उसी उन्हीं के घर के अंदर बैठ के और वही जो वक्खी कल्चर है उसमें बैठा हुआ। तो ये है जी दौलत आपकी, ये शमीमा आपकी, ये अजीज़ा आपकी। तो हम अब मिलके इधर नाश्ता खाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। अब ये मिलके ही खाएंगे हम सारे फिर। नहीं नहीं, आप ये भी खाए मेरे साथ। ये घर जो है ये 700 साल पुराना घर है।
अरबाब दीवान शाह का घर है, अभी जो विरसे में मिला है वो दीदार को मिला है। और ये रॉयल फैमिली से ताल्लुक है, मीर के जो सबसे खास जो लोग होते थे अरबाब उनको कहते उनके ओके। और मीर ऑफ हंजा जब पहले आते थे तो यहाँ पे वो भी बैठते थे। तो ये बेसिकली ये वन रूम एक बैठक स्टाइल के अंदर मैं देख रहा हूँ बना हुआ कि यहाँ पे आके आपने शूज वगैरह या जो भी हैं उतार दिए और ये थोड़ा सा स्टेप ऊपर है और ये पूरा यहाँ पे बना हुआ है। होता था ये एक ही घर है और इसके स्ट्रक्चर जो है ये पंचतन के नाम पे वो क्या हुआ। अच्छा, पंचतन पाक के नाम से ये बने। पांच पिलर है, पांच पिलर है और ओके। ये भी पांच ही है। ये वाले साइड जो है ये यहाँ पे लेडीज बैठती थी ओके। बैठती है अब भी यहाँ पे जेंट्स जो बुजुर्ग होता है वो सबसे आगे इधर और बाकी जो छोटे उससे हैं फिर स्टेप बाय स्टेप इधर बैठते हैं। यहाँ पे कुकिंग करते थे। अच्छा, ये कुकिंग पॉट है, ये पत्थर का बना हुआ है, वही जिस तरह वो ओशोथोंग रेस्टोरेंट में मैं गया था वो यूज करते हैं। सही, नीचे आग जलती थी, नीचे आग जलती थी। और वो क्या है वो जो स्टेप्स में ये बना हुआ है, ये चीज जब ये गर्म होता था उधर तंदूर के तौर पर रोटियां लगाते। ऑलराइट, तो ये बैठने की जगह थी सारी। और ये काला जो है ये धुएं की वजह से हुआ। अच्छा, ये जो खाना वगैरह पक्का करता था तो जी, उसका धुआं और ये सारी आपको जो लकड़ी नजर आ रही है तो ये कभी जला तो नहीं है? नहीं, कभी नहीं जला। सही। अच्छा, यहाँ से थी। अच्छा, तो ये ओपन ही है, यानी रूम वो जो क्लोज रूम वाला कंसेप्ट नहीं था। जी, यही किचन है, यही किचन है और एरिया सोने के लिए, ये भी सोने के लिए। तो अभी जो आपके घर होते हैं वो रूम्स वाले होते हैं जैसे नॉर्मल होते हैं? ये ट्रेडिशनल हम इसी तरह का बनाते हैं घर। अच्छा, अभी लेकिन उसके साथ फिर रूम्स अलग। ऑलराइट, तो ये आपकी बैठक वाला पोर्शन आज भी तकरीबन ऐसा ही होता है? सही। वो फिर जिस औरत का बच्चा होता था उसको अच्छा फिर उधर रखते थे ऊपर। अच्छा, उसका रूम अलग है, यानी एक तरह का ये रूम ही है, उसका सेक्शन ऊपर है। कोई इवेंट होता था तो शादी ब्याह में फिर म्यूजिशियंस यहाँ पे बैठते थे। अच्छा, और यहाँ पे डांस होता था। अच्छा, ये डांस फ्लोर बन जाता था और यहाँ पे ट्रेडिशनल जेंट्स के कपड़े हैं। ये सर्दियों में ये पहनते हैं, और दुल्हा को ये पहना। स्टोर भी है। अच्छा, जो किचन है वो बेसिकली आपका यही है, खाना चाय वगैरह सब कुछ इधर ही है। ये दिलदुंग है, दिलदुंग बेन कहते हैं इसको। दिलदुंग, ये अच्छा, इसको दिलदुंग कहते हैं, फिर ये दिलदुंग बेन। दिलदुंग बेन, यानी किचन एरिया को दिलदुंग कहते हैं। दिलदुंग यहाँ पे, फिर इसको जो है ना इस पोर्शन को दिलदुंग कहते हैं। और दिलदुंग रात को कुलमीत के मार्को पोलो होटल में राजा साहब ने एक दफा फिर मुझे हुंजा की सबसे फेमस लोकल डिश टेस्ट करवाई और वो है डोडो सूप। ये हमारा ट्रेडिशनल हुंजा सूप है, डोडो सूप कहते हैं। डोडो ये ब्रशिस की में, ये वखे में मच कहते हैं। इसमें हाथ से बने हुए नूडल्स, दूध, चीज और याक का मीट और उसकी यखनी डलती है। कहते हैं कि हुंजा आओ और डोडो सूप नहीं ट्राई किया तो आप हुंजा आए ही नहीं। और वाकई बहुत कमाल की डिश है। तो अब मैं करूंगा आराम मार्को पोलो होटल के लग्जरी रूम्स में और नेक्स्ट एपिसोड में चलेंगे हम कुलमीत से आगे हुसैनी विलेज और पासुकोंस की तरफ।